और उससे भी इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इंसान भूखा रह सकता है, नंगा नहीं रह सकता। ये बात पॉइंट वाली आपने कभी इसमें 150 की भी आ जाती है। अच्छा 150 की भी रेंज, हाँ 150 से 350 के बीच में ही ज्यादातर रहती है लूज में शर्ट, मतलब आप 150 से 350 तक मान। ये देखिए ये ईगल के लेवल पे आएगा मेरा माल, ये 310 की रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। एक और वेरायटी आएगा ये 320 का आ जाएगा जी, ये 335 की आ जाएगी। 335 में अगर आप गोरखपुर विजिट करते हैं तो आप यहां से आकर सिंगल पीस भी ले सकते हैं। हाँ लेकिन फोन पर आपको सिंगल पीस नहीं, आप खुद भी ये शर्ट पहनते जी, जो मैं पहनता हूँ वो मैं बेचता हूँ जी। जिंदगी जीने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ये तीन चीज अगर ना हो तो आप अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं सकते। आज इसी सिलसिले में हम आ गए हैं वीआरडी वस्त्र पे, जहाँ पे आप नाम से ही समझ सकते हैं वीआरडी वस्त्र। यहाँ पे आपको वस्त्र मिलने वाला है, मेंस वेयर की सारी शर्ट्स मिलने वाली, शर्ट्स की सारी रेंज मिलने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के जो ऑनर है उनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जो शर्ट की रेंज है वो मिनिमम कितने से स्टार्टिंग होने वाली है और मैक्सिमम कितने रेंज तक की शर्ट है, क्या सिंगल पीस भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है, सारी डिटेल्स लेंगे उनसे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्वागत है, वेलकम वेलकम। कैसे हैं? मस्त है। आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या लेकर आए हैं? भाई आपके व्यूवर्स के लिए जैसा कंटेंट आपने मांगा जी, एक तो कुछ मोटिवेशन कुछ करने के लिए और प्लस जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो भी डिस्प्ले करेंगे जी। तो आज की जो मिनिमम रेंज है, जो शर्ट्स की मिनिमम रेंज है वो कितने से स्टार्टिंग होने वाली है? देखिए भाई मेरे पास 220 से लूज की रेंज स्टार्ट है और बॉक्स में मेरे पास 310 से स्टार्ट, 275 से स्टार्ट है एक्चुअली। अच्छा बॉक्स में 275 जी जी। और मैक्सिमम रेंज की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम रेंज कितने तक की? मैक्सिमम 435 तक की। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आइटम्स को देखने के लिए कि कौन कौन सी रेंज में कौन कौन सी शर्ट्स मिलने वाली है। चलिए ठीक है भाई एकदम दिखा देते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे मिनिमम रेंज से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम रेंज भाई जैसे मैंने आपसे कहा था लूज में इसमें लगभग 220 से लेकर 330 के अराउंड किया जाती है, बहुत सारी इसमें रेंज आते रहता है, कभी इसमें 150 की भी आ जाती है। अच्छा 150 की भी रेंज, हाँ 150 से 350 के बीच में ही ज्यादातर रहती है लूज में शर्ट्स। अच्छा और फैब्रिक की अगर बात की जाए तो कौन सी फैब्रिक मिलती है? फैब्रिक भाई कॉटन बेस्ड होता है, कुछ कुछ मिक्स भी होता है, बहुत सारी इसमें वेराइटीज होती है जी जी। देखिए थोड़ी हवाईन प्रिंट टाइप की आ जाएगी और इसमें भी काफी रेंज है जी, छोटे प्रिंट्स आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कपड़ा भी काफी अच्छा है इसका जी और रेंज भी काफी आपको इसमें स्ट्राइप्स आ जाएगी। तो ये सब 220 की रेंज में है, 220 से लेकर 330-350 तक, मतलब आप 150 से 350 तक मानिए। इसका स्टॉक आते रहता है जाते रहता है, इसी सब स्टॉक्स में इसी तरह रेंज में होता है इसका स्टॉक। तो इस तरह के भी आपको कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे, 220 के भी रेंज में मिल जाएंगे, 330 के भी रेंज में मिल जाएंगे और 480 तक के भी रेंज में मिल जाएंगे। सारे रेंज आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाले हैं। 310 से मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा जी। ये देखिए ये ईगल के लेवल पे आएगा मेरा माल, जितनी ब्लैक बॉक्स में होगी ये 310 की रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी जी। ये 310 से स्टार्ट होने वाली है जी। इसी का एक और वेरायटी आएगा, ये 320 का आ जाएगा जी जी, 320 में जी। ये 335 की आ जाएगी, 335 में। और एमआरपी आप देख सकते हैं 999 एमआरपी है जी। तो आप आराम से इसको 400-500 में भी बेच सकते हैं अगर मिनिमम छूट डिस्काउंट देने के बाद भी बेचे तो जी। उससे ऊपर की रेंज आ जाएगी 360 की आ जाएगी जी, ये भी 360 में आ जाएगा। और ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको गोरखपुर में मिलने वाला है जी हाँ, जिसके लिए आपको मुंबई दिल्ली कोलकाता जैसे जगहों पे जाना पड़ता था वो अब आपको गोरखपुर में यहाँ पे मिलने वाला है। ये गोरखपुर में है, गोरखपुर के होलसेलर है शर्ट्स के, बहुत अच्छे होलसेलर है
और इसकी रेंज की बात की जाए तो कितना होने वाली है रेंज भाई? ये 1099 की जो एमआरपी भी होगी, अच्छा ये 410 की होगी। अच्छा 410 की होगी। और कपड़ा भी आप देख सकते हैं, कपड़ा भी काफी अच्छा है, गर्मियों के लिए काफी अच्छा है। और देख सकते हैं काफी रेंज भी है। अभी पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पीछे पूरा रेंज दिख रहा होगा। कुछ आइटम्स है जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि सब कुछ खोला नहीं जा सकता है, वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी। रेंज बताते चलिए भैया। रेंज भाई ये 410 का मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा ये 410 की है जी। जैसे मेरे पास 899, 999, 1099 और 1199 की एमआरपी आएगी जी, तो एमआरपी के हिसाब से सीधा सीधा रेट रहेगा। हाँ। एक लेवल पे जो 899 और 999 की एमआरपी होगी वो 310 315 के बीच में आ जाएगा जी। ईगल वाले लेवल पे, लाइट वाले लेवल पे आ जाएगा 360 से 410 के बीच में, 999 वाला 360 और 1099 वाला 410 और 1199 वाली एमआरपी वो 435 के अराउंड किया जाएगी जी। अच्छा अगर हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो अगर आपसे परचेज करके अगर उस पर मार्जिन कमाना चाहे, उस पर मुनाफा प्रॉफिट कमाना चाहे तो कितना कमा सकते हैं? अच्छा भाई देखिए, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप किस मार्केट में वर्क कर रहे हैं जी। अच्छा कुछ मैं एडवांटेजेस आपको बता दूं अपने बिजनेस के। जैसे कितनी भी रिसेशन आ जाए, जैसे कुछ बिजनेस को कोई फायदा नहीं होना पड़ा, कितना भी बड़ा, जैसे कोरोना वगैरह बहुत सारी चीजें आई, फूड बिजनेसेस कभी नहीं ठप हो सकते, ये भी नहीं जैसे। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये इसलिए क्योंकि इंसान भूखा रह सकता है, नंगा नहीं रह सकता। ये बात पॉइंट वाली आपने कही थी, बिल्कुल सही कहा। तो मतलब ये चीज एडवांटेजेस हमारे बिजनेस के। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप बहुत रूरल एरिया में हैं जी, तो देखिए 10-20% आप होलसेल प्रॉफिट मार्जिन अगर हमारे पास ले जाके सेल कर रहे हैं तो कमा सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट 30-40% भी हो सकता है। शहर में है तो लोग 100% तक मार्जिन कमा सकते हैं, मतलब 300 की चीज 600 में बिक जा रही है, डबल का भी मार्जिन हो सकता है, ज्यादा डिपेंड करता है आपके एरिया में। अच्छा अगर कोई खुद का ये अपना शॉप स्टार्ट करना चाहे कपड़े का, तो उसको कितने मिनिमम कितने एरिया की जरूरत होगी, कितने एरिया में अपना शॉप स्टार्ट कर सकता है? देखिए भाई उसका तो देखिए एक प्रोसेस होता है जी। प्रोसेस में क्या होगा, एक मिनिमम आप डिपेंड करता है आप कैसा शॉप खोलना चाह रहे हैं, कितना बड़ा शॉप खोलना चाह रहे हैं। एक डिसेंट शॉप मेरे ख्याल से 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए जी, जिसमें थोड़ी बहुत एक मतलब जो फर्नीचर वगैरह का जो एक्सपेंस होगा और मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस होगा। ले देके अगर एक नॉर्मल शॉप करिए तो 5 लाख से नॉर्मली खुल जाएगी। वैसे तो हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो कोई बात नहीं है जी। अगर नहीं हो तो स्टार्टिंग करें, एक पहले एक्सपीरियंस ले लें किसी के थ्रू काम करके, या तो सेल करके ही एक्सपीरियंस लेके तब काम चले तो ज्यादा बेटर रहेगा जी। अच्छा एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कई जगह से परचेजिंग करते होंगे और लेडी करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होलसेल में शर्ट्स देते हैं, अवेलेबल कराते हैं, तो ऐसी क्या क्वालिटी है वीआरडी वस्त्र में जो लोग यहाँ से परचेजिंग करें? देखिए भाई एक चीज तो जो लोग ले जा रहे हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग जानते हैं। मैं आपको एक लाइव दे दूं, देखिए जो चीज मैंने पहनी हुई है मैं आपको इसी का कलर दिखा सकता हूँ। बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो अपना माल पहनते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा यूपी बिहार थोड़ा सा मतलब लो इनकम स्टेट्स हैं, हमारा पर कैपिटा थोड़ा कम है, इसीलिए हमारे यहाँ सस्ती शर्ट्स बिकती है जी। लेकिन और जो मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं वो खुद नहीं पहनते हैं, बेचते तो सस्ती शर्ट है लो क्वालिटी की। हाँ। लेकिन खुद नहीं पहनते भाई। लेकिन हमारा ये चीज है कि जो हम पहन सकते हैं ये देख सकते हैं, ये सेम सेम या दूसरा कलर है, बस कलर डिफरेंस है, कलर डिफरेंस, क्वालिटी वगैरह सब कुछ सेम जी। तो आप खुद भी ये शर्ट पहनते जी? जो मैं पहनता हूँ वो मैं बेचता हूँ जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी क्या होगी, क्योंकि ये खुद भी पहनते हैं और मैं भी पहनता हूँ, मैं भी भैया से हमेशा परचेजिंग करके ले जाता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ की क्वालिटी जानता हूँ कि कैसी है। बात करते हैं अगर कोई भी हमारे जो व्यूवर्स है वो यहाँ आना चाहे, विजिट करना चाहे, तो वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा भाई देखिए, अगर आपके व्यूवर्स आउट ऑफ गोरखपुर आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन आ रहे हैं, तो अगर आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं जी, तो रेलवे स्टेशन पे जो 9 नंबर प्लेटफॉर्म होता है वहां से अगर आप कोई भी ऑटो लेंगे खजांची चौराहे के लिए, कोई भी आप किसी भी ऑटो वाले से कहिएगा आपको ले आके, सीधा रास्ता कहीं मुड़ना नहीं है, खजांची चौराहे पे छोड़ देगा, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरी शॉप है जी। जी आके आपके हमें कॉल कर लेंगे, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा जी। आपको भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ का एड्रेस पूछकर यहाँ आ सकते हैं। बात करते भैया, अगर कोई हम आपसे जुड़ना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे, तो उसको मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखिए पहली चीज तो जो जुड़ना चाहे उसको मोर देन वेलकम है, और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिपेंड करता है आपका विजन कितना है। इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ पैसे से नहीं होती है, पैसे से इन्वेस्ट कर लेंगे, आपको टाइम और मेहनत से भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा जी। एक मिनिमम एक अगर आप
नंबर चार राउंड फिगर, तो मैं कह रहा हूँ 10,000 एक डिसेंट अमाउंट होगा अगर आपको सिर्फ सप्लाई करना है, आपको एक शॉप खोलना है जी, तो 2 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लग सकता है जी। मतलब अगर कोई मिनिमम अगर शर्ट में की अगर अपनी शॉप खोलना चाहे तो वो कितने से स्टार्ट कर सकता है? अच्छा देखिए, अगर आप डिसेंट शॉप खोल रहे हैं तो आपको लो और हाई, मीडियम और हाई रेंज क्यों अराउंड 120 पीस के अराउंड मेरे को लगता है कि 40 पीसेस तो आपको रहने चाहिए आपके पास प्रिंट लेंथ चेक के। तो मेरे ख्याल से 30 से 40 हज़ार की शर्ट की वैरायटी, 50 से 60 हज़ार की जीन्स की वैरायटी हो सकती है आपकी, और टी शर्ट लोअर वगैरह 20-25-30 हज़ार का, मतलब ले जाके 2.5-3 लाख का स्टॉक आपका से नई शॉप ओपन हो सकती है। अच्छा, ये तो रही शर्ट्स की बात भैया, इसके अलावा क्या क्या आप रखते हैं भाई? मैं बस हाँ, ठंडी में हमारा विंचीटर्स और जैकेट्स का काम रहेगा जी। एक से एक जैसे शर्ट्स बढ़िया बनाते हैं भाई, वैसे ही विंचीटर्स और जैकेट्स में भी डील करते हैं जी। बाकी वो तो ठंडी का भी शूट होगा आपके साथ, बहुत सारे चैनल्स पे जाता भी है, जो अगर रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो जानते होंगे जी जी, वो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर ठंडी का जब स्टॉक आएगा तो भी हम आकर शूट करेंगे, वो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं वो अगर यहाँ आते हैं तो क्या उनको सिंगल पीस मिल सकता है मेरे लिए, अगर मैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं मीडिया चैनल से आया हूँ? अच्छा चलिए भाई, देखिए हमारा तो वैसे काम नहीं है सिंगल पीस का जी, लेकिन हाँ अच्छा ये मैं जरूर कहूंगा कि फोन करके ना डिस्टर्ब करें, अगर शॉप पे आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एंटरटेन कर दूंगा जी। जो सिंगल पीस में असॉर्टमेंट होगी सिंगल पीस दे दूंगा जी, होलसेल रेट के अराउंड ही दे दूंगा जी, बस ये चीजें फोन करके डिस्टर्ब ना करें ये। तो दोस्तों अगर आप व्यूअर हैं, अगर आप गोरखपुर विजिट करते हैं तो आप यहां से आकर सिंगल पीस भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन फोन पर आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा, तो कृपया फोन ना करें। फोन से अगर बात हुई है तो एक बार हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए ताकि वो यहाँ विजिट कर सके। भाई मेरा एड्रेस पड़ेगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश जी, फातिमा रोड नियर नारायण हॉस्पिटल, और कॉन्टेक्ट होगा मेरा 7905795471 जी। तो दोस्तों ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ की एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लेकर आपके लिए आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।